नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द पीसीएम विजन में। बच्चों, झारखंड बोर्ड मैट्रिक और इंटर की बोर्ड परीक्षा की कॉपियों को जांचने को लेकर के जैक के द्वारा एक नया नोटिस जारी किया गया है। आप लोग यहां पे नोटिस को देख सकते हैं। इस नोटिस में क्या बताया गया है, आप सभी की बोर्ड परीक्षा की कॉपियों की जांच कब से शुरू किया जा रहा है और कितने दिनों के बाद आप सभी के रिजल्ट को जारी किया जाएगा, सारा कुछ आपको इस वीडियो में जानकारी मिलेगी। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर अवश्य करेंगे। तो चलिए देखते हैं पूरी न्यूज को। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों, झारखंड एकेडमिक काउंसिल रांची वार्षिक माध्यमिक इंटरमीडिएट कला विज्ञान वाणिज्य संकाय परीक्षा 2022 के मूल्यांकन संबंधित आवश्यक सूचना विज्ञप्ति संख्या दिया हुआ आपका यहाँ पे विज्ञापन संख्या जो आज जारी किया गया है। देखिए, एतद् द्वारा सभी विद्यालय, प्लस टू विद्यालय, महाविद्यालय प्रधानों, मूल्यांकन के केंद्र निदेशकों एवं जिला शिक्षा पदाधिकारियों को सूचित किया जाता है कि वार्षिक माध्यमिक एवं इंटरमीडिएट कला विज्ञान वाणिज्य की परीक्षा 2022 की उत्तर पुस्तिकाओं की मूल्यांकन कार्य दिनांक 12/5/2022 से आरंभ होना सुनिश्चित किया गया है। मतलब 12 तारीख से आप सभी के कॉपी का मूल्यांकन यानी कि कॉपी की जांच को लेकर के शुरू कर दिया जाएगा। बच्चों देखिए, उसके बाद आगे इसमें लिखा गया है, इस मूल्यांकन से संबंधित परीक्षकों के नियुक्त पत्री संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में से वितरण किया जाएगा। संबंधित विद्यालय, प्लस टू विद्यालय, महाविद्यालय प्रधाना अपने विद्यालय, महाविद्यालय से संबंधित परीक्षकों की नियुक्ति दिनांक 11/5/2022 को जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय से स्वयं अधिकृत व्यक्ति द्वारा प्राप्त संबंधित परीक्षक को हस्ताक्षर कराएंगे एवं स मतलब यहाँ पे लिखा गया बच्चों, वो नोटिस दिया गया है, सभी शिक्षकों को एक आईडी कार्ड दिया जाएगा, समझ रहे हैं? वो आईडी कार्ड आपका डीओ ऑफिस से जारी किया जाएगा। आपके लिए सीधा सीधे यही न्यूज है कि आप सभी की कॉपियों की जांच की शुरू 12 तारीख से शुरू किया जा रहा है बच्चों मूल्यांकन, उसके बाद लगभग एक महीने के बाद आप सभी के रिजल्ट को जारी कर दिया जाएगा, ठीक है ना? 20 दिन कॉपी जांचने में लगेगा, ज्यादा दिन नहीं लगता है, 20 दिन लगेगा। उसके बाद 10 दिन आपका रिजल्ट को अपलोड करने में लगेगा, ठीक है? तो आज हो गया आपका 10 तारीख, 10/11 मतलब 15 जून के बाद, 15 जून के बाद आप सभी के रिजल्ट को पूरी तरह से जारी कर दिया जाएगा, ठीक है? तो यही अपडेट था बच्चों, और कोई भी अपडेट आती है तो सबसे पहले आपको इस चैनल के माध्यम से जानकारी दी जाएगी। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करेंगे और इस वीडियो को दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे ताकि सभी को इसके बारे में पता चल सके, ठीक है बच्चों? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।